बता दें कि पटना में बिहार में ठंड का कहर जारी है। राज्य के कई जिलों में घने कोहरे का असर, घने कोहरे ने बढ़ाई है कनकनी। कोहरे से ट्रेन और हवाई सेवा भी प्रभावित हुई है, जिससे यात्रियों की परेशानी बढ़ी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां बिहार में ठंड का कहर लगातार जारी है। राज्य के कई जिलों में घने कोहरे का असर जो है वो देखने को मिल रहा है, और इसके साथ ही कोहरे ने कनकनी बढ़ा दी है, जिससे अब ठंड जो है वो लोगों को काफ़ी परेशान कर रहा है। वहीं कोहरे से ट्रेन और हवाई सेवा भी प्रभावित हुई है, और जिससे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शक्ति जुड़े हुए हैं, हम उनका रुख करते हैं। शक्ति, बिहार में ठंड का प्रकोप जारी है, राज्य के कई जिलों में घने कोहरे से ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। शक्ति जी, रेखा आपको बता दें कि बिहार में जो है पिछले कई दिनों से लगातार जो है वो ठंड का कहर जारी है, जिससे जो है आम जनजीवन जो है अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 2-3 दिनों तक ठंड से राहत मिलने के कोई आसार दिख नहीं रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार पटना में के अलावा पूरे राज्य में जो है कई जिलों में सुबह से घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे जो है वो कई ट्रेन सेवाएँ और हवाई सेवाएँ हैं वो प्रभावित हुई है, और ठंड के कारण जो है वो बूढ़ों में, खासकर बूढ़े और बच्चों की परेशानियां बढ़ गई हैं, जो गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं बुजुर्ग उनको काफी। पहले से हवाई सेवा तो प्रभावित हुई है, लेकिन जिस तरीके से ठंड बढ़ी है, क्या उसको लेकर के आम लोगों के लिए और इसके साथ ही गरीब तबके के लोगों के लिए प्रशासन की ओर से क्या अलाव की व्यवस्था की गई है सही तरीके से? शक्ति, कहीं कहीं जो है अलाव की व्यवस्था पटना में की गई है, लेकिन बहुत सारा ऐसा तबका है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहां पे जिन तक जो है अलाव की व्यवस्था नहीं पहुंची। आपको बता दें कि पटना जिला प्रशासन के द्वारा पटना के कई जगहों पे रैन बसेरा का इंतजाम किया गया, जहां पे कि मुकम व्यवस्था भी की गई है, लेकिन उसमें लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज जो लोग हैं वो उतनी तादाद में, लोगों की संख्या जो है वो ज़्यादा है, और रैन बसेरों की संख्या जो है उतनी ज्यादा नहीं है, जिसके कारण जो है वो गरीब तबके के जो लोग हैं, जो रिक्शा ठेला चलाते हैं, जो बाहर से पटना जिला में अपने रोजगार के लिए आए हुए हैं, उन लोगों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें जो है ठंड के कड़ाती ठंड में जो है वो खुले आसमान, बिल्कुल ठंड से उन्हें खुले आसमान के नीचे उन्हें रहना पड़ रहा है, काफी समस्या उत्पन्न हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद शक्ति हमें तमाम जानकारियां देने के लिए। तो बिहार के कई जिलों में ठंड का असर देखने को मिल रहा है, कोहरे ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है, कोहरे ने जहाँ ठंड बढ़ाई है, वहीं अगर यात्रा की बात करें तो हवाई यात्रा और इसके साथ रेल यात्रा भी कोहरे की वजह से कहीं ना कहीं उसमें भी परेशानी हुई है, जिससे लोगों की अब परेशानी जो है वो बढ़ती जा रही है।